इज गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी का आज के ब्लॉग में। वैसे शुरुआत तो काफ़ी टाइम पहले हुई थी, मतलब मॉर्निंग मेरी, और अभी फ़िलहाल मैं किचन में हूँ और लंच की प्रिपरेशन करने जा रही हूँ। मतलब बस प्रिपरेशन करूँगी, अभी पूरा बनाने नहीं वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ सत्तू के पराठे, क्योंकि आज सैटरडे है तो मैंने सोचा सत्तू के पराठे और आलू और टमाटर का चोखा, जो कि बिहारी स्टाइल बनने वाला है और बिहार में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहार में फेमस है, लेकिन सत्तू और सत्तू का जो पराठा होता है, मतलब पराठा बोलो या लिट्टी बोलो आप उसको, लिट्टी वो आग वाली भी होती है और तवे वाली भी होती है, तो मैं तवे वाली बना रही हूँ, आग वाली तो नहीं। तो फिलहाल मैं उसकी उसका प्रिपरेशन करने जा रही हूँ, तो चलो करते हैं। और फिलहाल अभी गैस पर दूध चढ़ा हुआ है बॉइलिंग के लिए, चलो अभी जल्दी से शुरू करते हैं। रख दूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो शुरू करने में। वैसे ट्राइपॉड ज़्यादा सही रहेगा या ऐसे ही ठीक है? आई थिंक ऐसे ही ठीक है। चलो राइट गाइस, तो यहाँ पे है ये घर के बने हुए आम के अचार, जो कि मेरी फ्रेंड की मम्मा ने मुझे दिया था और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ये तो सत्तू में डालना कंपलसरी है, इसके बिना टेस्ट तो आता ही नहीं है, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता इसके बिना। तो इसका मसाला मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, और सत्तू में ना मैंने कलौंजी, अजवाइन और नमक, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, ये सारी चीज़ें डाली है, और साथ में ये अचार डाला है, अचार और उसका मसाला और तेल। एंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ सत्तू का शरबत, जो कि मेरे घर में मेरे बच्चों को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो कटोरे में मैंने ठंडा पानी लिया है बिल्कुल, उसमें मैं सत्तू डाला है, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा वाइट वाला नमक, और उसके बाद इसमें हल्का सा जीरा पाउडर एंड रोस्टेड जीरा पाउडर, अनियन चॉप करके आपको डालना है बिल्कुल फाइन, थोड़ी सी हरी मिर्च और वो ऑप्शनल है, नींबू का रस कंपलसरी है, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड दैट्स इट, मैं यहाँ पर टेस्ट करके देख रही हूँ कि कैसा बना है, तो काफ़ी अच्छा बना था। तो यहाँ पे उसके बाद मैं अपने बच्चों के लिए भी निकाल रही हूँ, तो मिर्ची और अनियंस को साइड करके मैं बच्चों के लिए निकाल रही हूँ एंड बच्चों को दे दूँगी। उसके बाद फिर मैंने कटोरे में पी लिया, ग्लास गंदा ही क्यों करना, और ये कपड़े आज धोने मुझे इतने सारे, और पीना है, और पीना है, सारा पी गया, और चाहिए, चाहिए। रेडी हो चुकी हूँ, मतलब यार नहाओ ना नहाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके लिए इतनी गंदी हो रखी है ना लिटरली कि मैं बता नहीं सकती आपको, और देख भी सकते हो कितना ज़्यादा पिंपल हो रखा है मेरे चेहरे पे, और ठीक होने का नाम भी नहीं ले रहा, बट हाँ पहले से काफ़ी कम हो चुका है। और क्यों हुआ है वो मैंने कल के ब्लॉग में बताया था आपको, मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उसके बारे में, तो अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं दिखाया है तो आप जाके देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो मैंने टमाटर बॉयल कर लिया था, आलू भी बॉयल कर लिया था, तो अभी मैं उनको बस निकाल रही हूँ। इस क्वार्टर की हालत, जब मैं इधर आई थी, मैं नहीं, जब हस्बैंड को ये मिली थी, इस क्वार्टर की हालत इतनी ज़्यादा गंदी थी कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो कितनी ज़्यादा गंदी हालत थी इस क्वार्टर की। अब तो फिर भी बहुत सही कर लिया हमने, वरना ये बहुत ही ज़्यादा गंदा था क्वार्टर। एक्चुअली 6 महीने से बंद था, और एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अगर बंद थी तो भी, मतलब जो पहले इसमें रह रहे थे, पता नहीं वो कैसे रह रहे थे इसमें, आई रियली डोंट नो कि वो उन्होंने इस पर कैसे सर्वाइव करा है, बिकॉज इस क्वार्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी लिटरली। लाइट्स वगैरह भी, किचन का लाइट वगैरह भी इतना ज़्यादा ख़राब था, लाइट तो बिल्कुल भी नहीं आती थी जब मैं शूट करती थी किचन में, तो बट अभी कल मैंने चेंज करवाया है तो अभी ठीक है, वरना किचन की हालत भी बहुत गंदी थी, लाइट वगैरह भी बहुत बेकार थी, वॉशरूम का फ्लश वगैरह, बाथरूम का वो भी बहुत ख़राब था, मतलब पूरी कंडीशन ख़राब थी क्वार्टर की।
तो जब अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, जब मैं आपके साथ इस क्वार्टर का टूर शेयर करूंगी ना, बिफोर एंड आफ्टर वाला लुक जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि इस क्वार्टर की हालत कितनी ज़्यादा खराब थी। तो बहुत जल्द शेयर करूंगी। एक्चुअली क्या हो जा रहा है ना, कुछ यहाँ पे एक तो हम बाहर नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल है यहाँ बाहर जाना, बहुत ज़्यादा पंगा है, और बस एक दिन संडे को ही मिलता है, तो कभी हस्बैंड की ड्यूटी हो जाती है कभी कुछ, तो इसलिए जाना पॉसिबल भी नहीं हो पाता। और ऑनलाइन प्रोडक्ट भी मंगाओ तो वो भी आने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे मेरा चोखा रेडी हो रहा है, इसमें मैंने आलू और टमाटर को मिक्स कर दिया है। आलू को भी बॉईल कर लिया था, टमाटर को भी पानी में बॉईल कर लिया था। आप चाहो तो आप रोस्ट कर सकते हो उसको, टमाटर को, लेकिन जो रोस्टिंग करने में मज़ा आता है ना, लकड़ी पे या फिर कोयले पे, उसका जो टेस्ट होता है, ओह माय गॉड, वो बहुत टेस्टी लगता है मुझे। बट फिलहाल ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं बॉईल कर लेती हूँ पानी में आलू को, आलू बॉईल कर लेती हूँ, टमाटर और साथ में हरी मिर्च, मतलब अलग अलग, टमाटर और हरी मिर्च को साथ में और आलू को अलग, एंड देन उसके बाद सबको मिक्स कर लेते हैं हम। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं, मैं हाथ धो लूँ। अच्छा, अभी इंस्टाग्राम पे ना एक ट्रेंड चला हुआ है बॉटल वाला, पता नहीं आप लोगों ने देखा है, देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा वायरल हो रखा है। बॉटल में बोल करके एंड देन उस पर पानी डाल के और फिर ऐसे उसको ऐसे प्रेस करो एंड देन ना बारिश की तरह वो दिखता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मैं वो ट्रेंड करना चाहती हूँ, बट मुझे ना बॉटल नहीं मिल रहा वैसा कुछ, तो अभी पानी की बॉटल खरीद के लानी पड़ेगी मुझे, 10 रुपये वाली, और उससे करेंगे हम, मैं करूँगी ज़रूर। मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था वो, जो इस तरीके से फ्लावर बन रहा था ऊपर से, बहुत खूबसूरत लग रहा था वो। एंड कौन कौन वो ट्रेंड करना चाहता है ना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वो ट्रेंड कैसा लगा और आप उसको करना चाहते हो या नहीं। हस्बैंड को आने में लेट है, तो मैंने सोचा बच्चों को लंच करवा देती हूँ और मैं भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो इसलिए तो मैं फटाफट से लंच कर लेती हूँ एंड देन फिर आपसे बातें करती हूँ। बाय बाय। तो गाइस, मैंने और बच्चों ने लंच कर लिया था और हस्बैंड उधर से खा के आ गए थे, और उसके बाद उनकी नाइट की ड्यूटी थी, तो यहाँ पे वो शाम में जा रहे हैं ड्यूटी पे, और अब फिर वो सीधा डिनर के लिए आएंगे रात को, आई थिंक 8:30 बजे तक। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, मैं अभी डिनर बना रही हूँ एंड हस्बैंड की आज ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी, तो अभी वो बस डिनर करने आएंगे और फिर चले जाएंगे। तो मैं फटाफट से उनके लिए पराठे बना रही हूँ सत्तू वाले, क्योंकि दोपहर में उन्होंने नहीं खाया था, वो उधर से ही खा के आ गए थे, इसलिए तो मैंने सोचा कि उनके लिए बना देती हूँ, क्योंकि उन्हें भी ये अच्छा लगता है, तो उनके हिस्से की बची हुई थी, तो मैं भी फटाफट से उनके लिए बना रही हूँ, और थोड़ा एक्स्ट्रा ही है तो हम रात में यही खा लेंगे आज। बाकी आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके मैं आपके साथ शेयर करूँ। बीच में ना थोड़ा काम हो जाता है तो भूल जाती हूँ शूट करना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना शूट करते, तो इसलिए दिमाग से निकल जाता है कभी कभी कि शूट भी करना है, फिर जब वो चीज़ें कर लेती हूँ तब याद आता है कि अच्छा शूट भी करना था मुझे, तो कुछ चीज़ें ऐड नहीं कर पा रही हूँ, बट ठीक है, आदत हो जाएगी फिर से अभी धीरे धीरे, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद शूट कर रही हूँ, लगभग 1 साल के बाद शायद व्लॉग, बीच में कभी डाला हो तो डाला हो, वरना छूट गया था व्लॉगिंग, तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था मैंने। तो अभी मैं फ़िलहाल फटाफट से डिनर बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। बाय बाय।
फाइनली गाइस पूरे दिन का काम हो गया है ख़त्म अभी, और पूरी तरीके से थक चुकी हूँ मैं। बस कल मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो कान बोल बाय बाय गुड नाइट, बोलेगी बाय बाय गुड नाइट। कान बोलेगा बोलो बाय बाय गुड नाइट, बाय बाय गुड नाइट, बोलो बाय बाय गुड नाइट, गुड नाइट, सी यू टुमारो टुमारो।